Hi guys, welcome to the Hapiness Cocktail. This is me and Devina here. Yeah. So, इस क्विक वीडियो के बनाने का एक ही राज है कि हम लोग सवेरे से देख रहे थे. सवेरे से मतलब एक वायरल वीडियो हुआ है कि एक इंडियन फैमिली है जो कि जिनको होटल के सिक्योरिटी का डांट रहे हैं. दे आर काइंड ऑफ क्वारलिंग एंड होटल के सिक्योरिटी ने एक इंडियन फैमिली को होटल के सामान को साथ में ले जाते हुए या चोरी करते हुए पकड़ा है. तो अब दूसरी बात ये होती है कि हम लोग ये वीडियो क्यों बना रहे हैं. इसके ऊपर हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम एक तरीके से बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं एंड देविना जो एक तरीके का हम लोग का जो इन्फ्लुएंसर का रोल है, तो एक तरीके से हम आपसे ये चीज़ें साझा करने चाहते हैं. एट द सेम टाइम देर आर सम पीपल, सम ऑडियंस आर देयर, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इन सब मतलब चीज़ें पता नहीं होती कि मतलब अगर आपकी एक छोटी सी गलती आपके कितने बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो उन सब लोगों के लिए एक तरीके से एक एजुकेशन का भी काम कर सकती है. सो दैट इज द ओनली रीजन कि हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं. एंड गाइस, व्हाट आई फील इज इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू शेयर दिस नॉलेज विद यू ऑल. सो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो. एंड प्लीज इस वीडियो को अदरवाइज मत लीजिए कि इंडियन है एंड ऑल दिस, है ना. हाँ, हम उन फैमिली को डिग्रेड नहीं करना चाहते. एट द सेम टाइम वी हैव अ सिंपैथी विद देम, बट मे बी बिकॉज़ आप एक बड़े परिवार के हिस्सा हैं और बच्चे करते हैं, गलतियां करते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप दूसरे देश में करते हैं, सो दैट्स नॉट राइट. दैट्स नॉट राइट. सो लेट्स डिस्कस कि व्हाट हैपेंड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. सो हुआ एक्चुअली यूं कि नॉर्मली दिस इंडियन फैमिली वाज देयर, पूरा एक परिवार था. सो बाली के होटल में उन्होंने अपने पूरा मतलब कंप्लीटेड देयर वेकेशन, छुट्टियाँ मनाई और वो अपना चेकआउट करके निकल रहे थे. तो जैसे होटल ने पाया कि होटल के रूम से मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर मिसिंग, सो उन्होंने क्या किया कि उन लोगों को रुकवा लिया और दे स्टार्ट चेकिंग द बैग वन बाय वन. सो इसमें ये हुआ कि पहले तो फैमिली ने ना नकुर की क्योंकि क्यों हमारे बैग चेक कर रहे हो एंड ऑल. एंड एज जैसे ही मतलब सर्चिंग प्रोग्रेस हुआ, सो दे कीप फाइंडिंग होटल के जितने भी वैल्यूएबल्स आइटम्स थे, राइट, वैल्यूएबल आइटम जितने भी थे वो उनके बैग से निकलने लगे. सो उस तरीके से फिर यू नो पूरा एक संवाद सा स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर इवन इंडियन फैमिली ने मतलब इवन दे ट्राई टू टेक 5 lakh rupees, दे ट्राई टू यू नो कजोल द होटल स्टाफ, बट होटल स्टाफ वे आर काइंड ऑफ यू नो दे आर ऑल्सो लाइक भाई अब इतना सब हो गया तो दे डोंट वॉन्ट मनी. And we also don't know what happened at the last. तो हम लोगों ने अभी तक अपना जितना भी ट्रैवल किया है, जितने एक्सपीरियंस है, 5 से 6 countries घूमने का हमारा, तो उसमें तो हम लोगों ने यही सीखा है कि मतलब अगर जैसे ही आप अपना कदम जो है, जैसे भी आप भारतीय इमिग्रेशन सिस्टम से बाहर निकल के दूसरे देश में प्रवेश करते हैं, तो आप एक तरीके से भारत के नागरिक नहीं, आप भारत के एम्बेसडर बन जाते हैं. भारत के एम्बेसडर मतलब आपके द्वारा उठाया गया एक एक कदम एक पूरे भारतीय को रिप्रेजेंट करता है, एक पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है. तो इस तरह की घटना जिसमें मतलब अरे आप ही सोचिए, एक चम्मच, एक मतलब एक एक तरीके से ही बात है कि आप ऑलरेडी अपने हॉलीडे में 2 lakh rupees, 2.5 lakh rupees खर्च कर रहे हैं, ऊपर से अगर ये सब छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, राइट, तो ये आपके जिंदगी भर के लिए आपके पूरे चरित्र पे और आपके ही नहीं पूरे देश के चरित्र पे दाग लग जाता है. तो इस तरीके की चीज़ें जो है मतलब अवॉइड करना ही चाहिए, मतलब यू शुड नेवर डू इट. ओके गाइस, सो लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस नाउ. सो हम लोग अभी जो रिसेंट ट्रिप था हमारा थाईलैंड, तो वहाँ हम लोग गए थे. सो क्या हुआ, जैसे ही हम लोगों ने अपना होटल पे चेक इन किया, वैसे ही जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने हम लोग से 4000 baht लिया, और 4000 baht इज लाइक 10,000 rupees, ह्यूज अमाउंट, सीरियसली. सो हम लोग को ये फीलिंग आई कि इफ दे आर आस्किंग फॉर इंडियंस ओनली, सो मतलब एक और बंदा भी आया था वो भी इंडियन, क्योंकि आपको थाईलैंड में बाली में बहुत ज़्यादा इंडियंस मिलेंगे सारी एशिया में. तो एक और बंदा आया था और उससे भी हम लोगों ने पूछा कि आपसे भी लिया गया है क्या, तो बोला हाँ मुझसे भी लिया गया. तो हम लोग की ये फीलिंग आ रही थी कि ऐसा इंडियन के साथ ही होता है क्या करके. तो वो सारी चीज़ें. और मैं एक और चीज़ शेयर करूँगी यहाँ पर कि मेरा अभी फ्रेंड है जो अभी रिसेंटली थाईलैंड गया था,
जो जैसे ही उसने फुकेट एयरपोर्ट पे लैंड किया और वो बस जा पहुंच के सेल्फी लेता, अब सब लेते हैं सेल्फी, बट वो इमिग्रेशन जो वीज़ा प्रोसेस चल रहा था उस टाइम में लिया, और वहाँ पर सुबह मतलब हम लोग भी जब गए थे तब 6 o'clock मॉर्निंग में लैंड हुई थी हमारी, तो उस टाइम कोई भी पुलिस और ये सब कोई कॉप्स सब कोई भी नहीं थे, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ, वो उसके टाइम में भी कोई नहीं था, ठीक है। अचानक से उसने सेल्फी लिया, पता नहीं कहाँ से लेडी ऑफिसर आ गई 2-3 और उसको बोल रहे थे कि यू विल बी गोइंग टू सेंड यू बैक टू इंडिया, और बहुत ज़्यादा हाई मतलब सीरियसली दिस इज नॉट द वे, मतलब अफकोर्स ये सारी चीज़ें मुझे पता थी तो मैं कभी भी वीज़ा प्रोसेस व्लॉग नहीं करती हूँ, आप देखे होंगे। उसको उसके साथ यही हुआ, फिर उसने बहुत कुछ उसको फाइन उसको बोले कि लास्ट वो तो मान ही नहीं रहते जो कॉप्स थे कि हम लोग आपको इंडिया वापस सेंड कर रहे हैं कि दिस इज नॉट द वे करके। और दूसरी चीज़ में इसमें मैं दूसरी चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी भी अगर थाईलैंड जैसी कंट्री टाइट अगर थाईलैंड जैसी कंट्री अगर आपको बाहर लौटा रही है, उस केसेस में आपको और किसी देश का वीज़ा नहीं मिल सकता, क्योंकि इफ थाईलैंड इज रिजेक्टिंग योर वीज़ा ऑन अराइवल, नोबडी नो अदर कंट्री विल अलाउ यू टू एंटर इन योर कंट्री। सो दिस इज लाइक राइट, अगर एक बार उसको वापस भेज देती थाईलैंड सरकार तो उसके बाद उसको ना इंडोनेशिया लेती, यूएस कनाडा छोड़ दो। तो दैट्स व्हाट, फिर उसके बाद लास्ट वो बोला कि प्लीज मतलब इतना ज्यादा अपन लगाते हैं पैसा, तो वो बोला कि व्हाट द लिस्ट थिंग आई कैन डू ना व्हाट, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वो मतलब मैं क्या करूँ उसने पूछा, तो फिर उन्होंने फिर फाइन किया उसको, पता नहीं कितना 2,000-3,000 कुछ भाट उसने फाइन भी पे किया है, फिर उसके बाद इमिग्रेशन प्रोसेस उसका हुआ है। सो गाइस, अगर आप ये सारी चीज़ें बाली और थाईलैंड में कर रहे हैं तो फिर भी आप बच जाओगे, बट अगर थिंक अगर आप सऊदी अरेबिया और यूएस जैसी कंट्री में कर रहे हैं तो इट्स अ ह्यूज थिंग। मतलब एक्चुअली क्या है कि अरेबियन कंट्रीज में मोस्टली इन द मोहम्मडन कंट्रीज द लॉ आर वेरी स्ट्रिक्ट, अगर उस कंट्री में अगर आप लिटरली अगर आप चोरी की सजा देखते हैं तो वहाँ पे कोड़ों की सजा है, सो विच आर यू डेफिनेटली यू आर गोइंग यू डोंट वांट टू गेट दैट राइट, यू वांट टू अवॉइड इट, सो प्लीज डोंट डू दिस बिकॉज यू गोइंग टू अदर कंट्री, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ होल कंट्री, 121 बिलियन पीपल इज गेटिंग रिप्रेजेंटेड बाय यू, एंड एट द सेम टाइम इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी इंडियंस विजिट अ कंट्री इन अ होल ईयर, बट वन टाइप दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट राइट, एक इस तरीके की घटना पूरे मतलब पूरे इंडियंस को वो करती है, रिप्रेजेंट करती है, तो उतने लोग आते हैं कोई याद नहीं रखेगा और जस्ट एक घटना जो है ये पूरे सब पे दाग लगा देगी, सो प्लीज गाइस डोंट डू दिस, और हम लोग भी कोशिश करेंगे अब बच के चलने की। सो यही हम लोग सीखे हैं आज के इस वीडियो से, आज सुबह से जो भी देख रहे थे। So that's it, right? Yeah, thank you guys. Thank you for watching this video. So guys, please subscribe for more such travel videos. We'll see you on our next video. Till then, take care of yourselves. Bye-bye.